हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है आज के न्यू वीडियो में। आज के वीडियो में बात करने वाले हैं वीवो Y18 डिवाइस के अंदर आप कॉल फॉरवर्डिंग कैसे करें। दोस्तों, आप अपने फ़ोन में कॉल फॉरवर्डिंग कैसे करेंगे दोस्तों, इसी का सेटिंग यहां पे आपको बताएंगे। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। दोस्तों, कॉल फॉरवर्डिंग से होता है आप अपने इनकमिंग कॉल को किसी दूसरे नंबर पर ट्रांसफ़र कर सकते हैं। जो आपकी इनकमिंग कॉल है वो किसी दूसरे फ़ोन पर आएगा। जैसे आपके पास फ़ोन है और आप अपने इनकमिंग कॉल को किसी दूसरे फ़ोन पे ला सकते हैं और वहाँ से अपने कॉल को रिसीव करके बात कर पाएंगे। दोस्तों, इस सेटिंग को कैसे आप इनेबल करेंगे, कैसे यूज करेंगे, चलिए अपने सेटिंग को ओपन करते हैं और वहाँ से आपको बता देते हैं। दोस्तों, उसके लिए आपको अपने डायलर को ओपन करना है। तो हम यहाँ पर अपने डायलर को ओपन करते हैं। आप देख रहे हैं जो हमारा डायलर है यहाँ पर ओपन हो जाता है और ऊपर में आपको थ्री डॉट का ऑप्शन मिलेगा, तो आपको उस पर क्लिक करना है। यहाँ पर आपको सेटिंग का ऑप्शन है तो आपको सेटिंग वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। और इसके बाद यहाँ पे आपको मिल जाता है कॉलिंग अकाउंट, तो आपको कॉलिंग अकाउंट पे क्लिक करना है। और यहाँ पे आपको मिल जाएगा सिम वन सिम टू, आपको यहाँ पे चॉइस करना है कौन से नंबर की कॉल फॉरवर्डिंग करना है। जिस नंबर की कॉल फॉरवर्डिंग करना है उस सिम को यहाँ पे आपको सिलेक्ट करना है। तो जैसे हम यहाँ पर सिम वन की कॉल फॉरवर्डिंग करेंगे तो यहाँ पर सिम वन को सिलेक्ट करेंगे। और इसके बाद यहाँ पर आप देख रहे हैं कुछ सेटिंग आ जाते हैं और यहाँ पर एक ऑप्शन आपको मिलेगा कॉल फॉरवर्डिंग, तो आपको इस पर क्लिक करना है। और इसके बाद यहाँ पे आप देख रहे हैं वॉइस कॉल वीडियो कॉल, आप कौन सी कॉल ट्रांसफ़र करना चाहते हैं ये चीज़ यहाँ पे आपको डिसाइड करने को आता है। तो यहाँ पे हम वॉइस कॉल कर देते हैं। अगर आपको वीडियो कॉल वॉइस कॉल दोनों करना है तो आपको दो बारी में यहाँ पे करना होगा। यहाँ पे हम क्या करेंगे, वॉइस कॉल ट्रांसफ़र करेंगे। और इसके बाद यहाँ पर आप देख रहे हैं रीडिंग यहाँ पर कर रहा है। और इसके बाद यहाँ पर आपको जाता है ऑलवेज फॉरवर्ड, आपको अगर सभी कॉल को फॉरवर्ड करना है तो आपको यहाँ पर ऑलवेज फॉरवर्ड पर क्लिक करना है। आपको क्या करना है, इस पर ऐसे क्लिक करना है और इसके बाद यहाँ पे आपको नंबर टाइप कर लेना है। जिस नंबर पे आपको अपने इनकमिंग कॉल को भेजना है उस नंबर को यहाँ पे आपको टाइप कर लेना है। जैसे हम कोई नंबर यहाँ पे टाइप करते हैं इस तरह से, ये नंबर यहाँ पे टाइप हो जाएगा। और इसके बाद यहाँ पर आपको टर्न ऑन कर देना है, जो आपकी कॉल फॉरवर्डिंग है वो ऑन हो जाएगी। दोस्तों, अगर नंबर आपके सेव कॉन्टेक्ट में है तो आपको क्या करना है, यहाँ पर छोटा सा लोगो आता है यहाँ पर सेव नंबर का, तो आपको क्या करना है, इस पर ऐसे क्लिक करना है। और इसके बाद यहाँ पर जो आपके सेव नंबर है यहाँ पर आ जाएंगे और यहाँ से नंबर आप चॉइस कर सकते हैं। यहाँ पे हम नंबर चॉइस कर लेते हैं कोई एक। और इसके बाद यहाँ पे टर्न ऑन करेंगे, जैसे यहाँ पे टर्न ऑन करते हैं जो हमारा इनकमिंग कॉल है वो फॉरवर्ड हो जाएगा। यहाँ पे अब हमारे पास कोई भी इनकमिंग कॉल नहीं आएगा। अभी आप देख रहे हैं यहाँ पे सिम वन फॉरवर्डिंग ऑल कॉल्स, जो हमारे सिम वन की कॉल है वो अब फॉरवर्ड हो चुकी है, हमारे पास कोई भी कॉल नहीं आएगा। और यहाँ पर नंबर भी सेव हो जाता है, यहाँ से पता भी चलेगा जो कॉल फॉरवर्डिंग में कौन सा नंबर लगा है। तो इस तरह से आप अपने फ़ोन में कॉल फॉरवर्डिंग कर सकते हैं। दोस्तों, बहुत लोग कॉल फॉरवर्डिंग कर लेते हैं लेकिन कॉल फॉरवर्डिंग को बंद नहीं कर पाते हैं। तो आपको बंद करने के लिए आपको इस सेटिंग को इस तरह से आपको इनेबल करना है। और इसके बाद यहाँ पे आपको मिल जाएगा ऑलवेज फॉरवर्ड का ऑप्शन, आपको फिर से इस पर क्लिक करना है। और यहाँ पर आपको जो नंबर है यहाँ पर शो होंगे। और इसके अलावा यहाँ पर आपका जो ऑप्शन है टर्न ऑफ, आपको इस पर क्लिक कर देना है। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे इसके बाद ये टर्न ऑफ हो जाएगा, जो आपकी कॉल फॉरवर्डिंग है यहाँ पे बंद हो जाएगा। दोस्तों, इस तरह से आप अपने फ़ोन में कॉल फॉरवर्डिंग को बंद कर सकते हैं। दोस्तों, वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर लें, शेयर कर लें। अगर हमारे चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस कर लें ताकि हमारी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। दोस्तों, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।